सत्यमेव जयते में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये कार्यक्रम है जहां पर इसके अंत में सत्य की ही जीत होगी और यहां पर सत्य की ही बात की जाएगी। हर पक्ष, जैसा कि हमारी टैगलाइन में कहा जाता है कि पक्ष न विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष, तो वैसी ही बातचीत यहां पर होगी। हर पक्ष अपनी बात रखेगा लेकिन उसमें सत्य की गुंजाइश के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दर्शकों, पाकिस्तान और इंडिया, ये दो कंट्रीज हैं। इन दोनों देशों की क्रिकेट टीम्स हैं जो कि मैच खेलते हैं। खेल वो होता है जहां पर दो साइड्स होती हैं और दोनों के अंदर खेल भावना होनी चाहिए और इस खेल को एक खेल की नजर से ही देखा जाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच भी मैच हुआ। इस मैच में भारत को हार मिली और पाकिस्तान को जीत। चूंकि ये खेल है तो खेल में एक पक्ष जीतता है तो दूसरा पक्ष हारता है। एक क्वाइन होता है जिसका एक साइड हमेशा फ्लिप करके सामने आता है। वैसा ही कुछ इस बार हुआ। आम सी बात थी कि मैच था और मैच में पाकिस्तान जीत गया, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच के बाद अब खेल तो खत्म हो गया है लेकिन सियासत शुरू हो गई है। दर्शकों, आपको अगर यह बात कही जाए तो आपको कैसा लगेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में भारत की सीमा रेखा के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो दरअसल पाकिस्तान के साथ थे? आपको यह सुनकर आश्चर्य तो हालांकि नहीं होगा, लेकिन आपको यह चीज समझनी होगी कि ये कौन लोग हैं जो रहते भारत में हैं, खाते भारत का है, स्कॉलरशिप भारत की लेनी है, सड़कों पर भारत की चलना है, तमाम जो सरकारी सुविधाएं हैं वो भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली ये लेते हैं और भारत के अंदर लेते हैं। लेकिन जब बात होती है कि आखिर ये लोग पाकिस्तान परस्त क्यों, तो इसके पीछे तर्क कई हो सकते हैं, कुतर्क भी कई हो सकते हैं, लेकिन एक बात जो शब्दों के हिसाब से कहूं तो बिल्कुल सटीक, साफ और बिल्कुल निष्पक्ष रहेगी, वो ये है कि गद्दार। इन्हें गद्दार से ना एक पग ऊपर आका जाना चाहिए ना ही एक पग ऊपर आना चाहिए। इन्हें सदैव गद्दारों की कैटेगरी में ही रखना चाहिए क्योंकि ये गद्दार हैं। इनके लिए कोई भी तर्क काम नहीं कर सकता, यही ज्वारभट्टा है। दर्शकों, पाकिस्तान और भारत के बीच हुए मैच के बाद जब भारत को शिकस्त हाथ लगी तो इसके बाद अचानक से ये जो लोग थे, ये जो मेंढक थे, ये लोग एकदम से उछलकर सामने आ गए। सबसे ज्यादा सोचने और परेशानी पैदा करने वाली बात यह है कि ये सभी लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाते हुए देखे गए, वो दरअसल MBBS के स्टूडेंट्स। ये आने वाले कुछ सालों में डॉक्टर बन जाएंगे और आने वाले कुछ सालों में डॉक्टर बनने का मतलब समझते हैं, या तो ये जम्मू कश्मीर में रहकर अपनी सेवाएं देंगे या फिर ये देश के अन्य कोनों में जाकर अपनी सेवाएं देंगे। जिन लोगों के मन में ये चर्चा का विषय हो कि ये मैच ही दरअसल इस्लाम बनाम काफिर हुआ है, वो कैसे डॉक्टर बनेंगे? डॉक्टरों को तो भगवान कहा जाता है, ये कैसे डॉक्टर बनेंगे, कैसे लोग बनेंगे, और सबसे प्रथम बात कि ये कैसे एक देश के नागरिक बनेंगे? इन्हें क्यों सुविधाएं मिलनी चाहिए? इन्हें भारत की सड़कों पर क्यों चलने देना चाहिए? क्यों इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए? क्यों इनको जो सुविधाएं सरकार की ओर से दी जाती हैं वो इनको मिलनी चाहिए? स्कॉलरशिप चाहिए इन्हें, भारतीय कॉलेज में पढ़ना है इन्हें, तमाम संसाधन जो हैं वो भारतीय यूज करने हैं इन्हें, लेकिन प्रेम जो है वो इनका पाकिस्तान से है। इनके सारे ख्याल जो हैं वो भारत में जन्म लेते हैं लेकिन उनमें जो प्रेम की जो लबालब जिस तरीके से भरा हुआ है चाशनी में, वो दरअसल पाकिस्तान के लिए है। तो ये पाकिस्तान के लोग जो दरअसल भारत की सीमाओं पर आ गए हैं, इसको लेकर तर्क हो जाते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। 2017 में भी हमने ये देखा, इससे पहले भी कई दफा हमने देखा, जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई तब भी हमने ये देखा, हमने ये अभी जो बीता मैच है उसमें भी देखा। तो क्या महज ये घटना के रूप में देखा जाना चाहिए? और देखा जाना चाहिए तो कब तक देखा जाना चाहिए? जब भारत की धरती में पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे लगेंगे, वो पाकिस्तान जो लगातार भारत में आतंकवादी गतिविधियां करता है, वो पाकिस्तान जो लगातार हमारे भारतीय सैनिकों पर पीठ पीछे वार करता है, उस पाकिस्तान की अगर भारत में तारीफों के पुल बनाए जाएंगे, इनको ध्वस्त करने का काम किसका है? और कब तक इसको महज घटना, महज खबर के रूप में देखा जाता रहेगा? अब इस पर चोट करने का वक्त है।
दर्शकों, यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है, लोगों को चिन्हित किया गया है। साथ ही जो अब तक डॉक्टर बनने वाले थे, वो जो दरअसल भटक कर जिहादी बन गए थे, अब उनका इलाज करने की सरकार ने ठान ली। तो भारत में अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे तो जेल नहीं जाएंगे तो फिर कहां जाएंगे? और मेरा मानना यह है कि भारत सरकार को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एक चीज साफ रखनी चाहिए कि जेल मुकाम नहीं हो सकता, क्योंकि जेल भी तो भारतीय है। जेल के अंदर जो ये खाना खाएंगे वो भी तो भारतीय है। जिस कानून की किताबों का ये लोग, जिसके तहत ये लोग अंदर जाएंगे वो भी भारतीय है। अंदर जो तमाम संसाधन जो इस्तेमाल किए जाएंगे वो भी भारतीय हैं। इनको यहाँ पर ना तो जेल की जरूरत है, ना ही किसी भी कानून के तहत इनको यहाँ पर मापने की जरूरत है। इनको दरअसल टिकट की जरूरत है, और टिकट की जरूरत है इनको रावलपिंडी की। इन सभी को रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, यहां पर जाना चाहिए। यहां पर जाकर इनको असलियत दिखेगी। असलियत दिखेगी ये कि जो MBBS कर यहां डॉक्टर बनने वाले थे, वहां पर जब हालात देखेंगे ना, कि चिपलून वाले जो हालात हैं, जो कटोरा लेकर घूमने वाले जो हालात हैं, जो प्रधानमंत्री चाइना में जा जाकर कटोरा सामने रखकर पैसों की जो मांग करता है, जब वो हालात देखेंगे तब इनको समझ में आएगा कि देश बड़ा है कि धर्म बड़ा है। तो आखिर भारत पाकिस्तान का जो पूरा मैच था वो कैसे दो धर्मों के बीच फंस गया, या तो मैं कहूं कि एक धर्म और दूसरा जो उस धर्म को नहीं मानते उन लोगों के बीच फंस गया। इस मैच को कैसे पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि इस्लाम की जीत हो, ये इस्लाम की जीत कैसे है? कैसे ये इस्लाम की जीत? अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया से कोई मैच खेलते हैं तो क्या क्रिश्चियन बनाम हिंदू होता है? अगर ऐसा है तो जल्द से जल्द ICC को इसकी घोषणा कर देनी चाहिए कि पाकिस्तान अगर मैच खेलेगा तो भारत में सबको पता होना चाहिए कि इस्लाम की तरफ से टीम जो है वो खेल रही है, और जो इनके विपक्ष में है वो सभी काफिर। उससे पहले आप ये वीडियो देखिएगा जिसमें लोग किस तरीके से उछल उछल कर जश्न जिहाद मना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो तस्वीरों में दिख रहे थे ये तो दरअसल बालक हैं, लेकिन इनके चालक कौन है ये समझना बहुत जरूरी होगा। तो चालक अगर आप समझने निकलेंगे तो सबसे पहले आपको जो सियासत की सड़कों पर जो चेहरा नजर आएगा वो है महबूबा मुफ्ती का। पूर्व मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर की। अब हालात बद से बदतर है, लेकिन पाकिस्तान प्रेम है कि जाने का नाम नहीं लेता। पाकिस्तान से इतना प्रेम है कि वो बार बार झलक कर सामने आ ही जाता है। तो महबूबा मुफ्ती का कहना है कि ये गलत नहीं है। इसको कैसे गलत कह रहे हैं? बाकी इससे पहले जो तमाम अन्य लोग हैं वो भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख चुके हैं। बीजेपी खुलकर इस चीज का विरोध कर रही है, तो कांग्रेस जो है वो मोहम्मद शमी के मुद्दे को लेकर उतर गई है और इस मुद्दे पर जरा भी कहने, बचने और सुनने से हिचक रही है। दर्शकों, मोहम्मद शमी या फिर विराट कोहली हो या सचिन तेंदुलकर हो, सचिन तेंदुलकर ने जब किसान आंदोलन को लेकर एक ट्वीट किया था तब उनको हजारों लोगों ने ट्रोल किया, हजारों लोगों ने, तब किसी ने भी धर्म नहीं देखा। विराट कोहली को भी इस मैच के बाद तमाम हजारों लोगों ने कमेंट करके ट्रोल किया, किसी ने भी इसको लेकर आपत्ति दर्ज नहीं कराई। लेकिन मोहम्मद शमी को ट्रोल करने पर अचानक से ये जो कांग्रेस का जो एक गैंग है वो एक्टिवेट हो गया, कांग्रेस का IT सेल जो है वो एक्टिवेट हो गया, तमाम जो लेफ्ट लिबरल अपने आप को कहते हैं वो एक्टिवेट हो गए, और कांग्रेस के अंदर जो एक उनकी अब टुकड़ी बन चुकी है, जो एक ब्रांच है, टुकड़े टुकड़े गैंग, वो भी एक्टिवेट हो गया। तो अब मोहम्मद शमी को लेकर ये कहा जा रहा है कि दरअसल इनको ट्रोल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये मुसलमान है। अब भाई, अगर भारतीय क्रिकेट में कोई मुस्लिम खेलेगा और अगर मैच अच्छा नहीं गया तो भारतीय जो खेल की भावना रखते हैं, जो लोग अपना काम छोड़कर, सब कुछ छोड़कर एक मैच देख रहे हैं, जिनके दिल में यह है कि ठीक है भारत को जीतना ही जीतना चाहिए, क्या देश की भावनाएं जो क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई हैं वो सब नहीं जानते? सब जानते हैं कि 2011 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था तो सड़कों पर क्या जश्न का माहौल था। तो क्या अब चीजें बदल चुकी हैं?
अब क्या जो मैच हैं वो भी धर्म बनाम धर्म हो चुके हैं, या फिर सिर्फ पाकिस्तान की जो टीम है वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करने लगी है? तो इसको लेकर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। इन साहब का एक बार तारुफ करा देता हूं। अश्विनी शाहीन साहब हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। आचार्य कृष्ण बिहारी जी हैं, धर्मगुरु हैं। उज्मा परवीन जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और भूदेव शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी शाही साहब, सबसे पहले तो आपसे ही शुरू करूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि बार बार, साल दर साल, हर बार यही चीज निकलकर सामने आती रहती है कि देश में उस कोने में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए, वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। अब जब मैच हुआ तो जब पाकिस्तान की टीम जीती तो भारत की धरती में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। ये गद्दारों की जो फौज है, ये कैसे पनप रही है, कैसे खा खेल रही है भारत की धरती में? ये सवाल है आपसे। ठीक है अश्विनी साहब, अश्विनी जी, ठीक है अश्विनी जी, आपने बताया कि झांकियां निकल रही हैं। झांकियों के साथ ये तस्वीरें भी तो हम लोग देख रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद कह के वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। इस तरीके की तस्वीरें भी तो हैं। समस्या तो सबको पता है, इसका समाधान क्या है? अश्विनी जी, अभी थोड़े दिनों पहले जो लगातार जो हिंदुओं की किलिंग हुई, सभी ने देखा किस तरीके से बिहार के लोगों को चुन चुन कर धर्म पूछ कर मारा गया, सभी ने देखा। तो आतंक कम हो गया, ये ग्राफ आप कैसे दिखा रहे हैं? जो कांग्रेस के पैसे पर, पाकिस्तान के पैसे पर,
जो ये वहां के लोग पलते थे, जो कहते थे ना कि हम यहाँ के जो है पुरोधा हैं, हम यहाँ के लड़ाके हैं, और कौन क्या क्या उन्होंने बनाया था फ्रंट और क्या यासीन मलिक टाइप आतंकवादी जो थे, इनकी सबकी दुकानें बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक है, और फिर मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान में का राग गाने वाला गद्दार है, गद्दार है और गद्दार है। ठीक है, उज्मा प्रवीण जी के पास चलेंगे। उज्मा जी, ये बताइए कि पाकिस्तान के एक मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि ये जो जीत हुई है ये इस्लाम की जीत हुई है, और उन्होंने साथ ही एक और बात कही कि किस तरीके से एक खिलाड़ी ने पिच पे ग्राउंड के अंदर जिस तरीके से उसने वहाँ पर अपना एक धार्मिक जो है उसको चीज़ को किया, उसके बाद ये इस्लाम की जीत दिखाता है, और ये बड़ा देखकर उनको बड़ा अच्छा लगा, सुनकर बड़ा अच्छा लगा ये सब। ऐसे में ये बताइए, ये जो मैच था और उन्होंने कहा कि इसके साथ सब हर कोई है, पूरे विश्व में जितने मुसलमान हैं वो सब पाकिस्तान के साथ थे, क्योंकि इस्लाम बनाम काफिरों का मैच था, तो ऐसे में उन्होंने भारतीय मुसलमानों का भी जिक्र किया। तो ये जो मैच था, ये पाकिस्तान जो कि एक देश है उसकी क्रिकेट टीम और भारत जो कि एक देश है उसकी क्रिकेट टीम के बीच था, या फिर ये धर्मों के बीच था? देखिए, पहले तो मैं सबसे बात कहना चाहूंगी ये कि ये जिन्होंने लोगों ने करा है, जश्न मनाया है भारत के अंदर रहकर, कि एक गलत चीज है ये। मुझे ये लगता है कि ये गलत किया इन्होंने, इनको इस तरह से जश्न नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जो मेरा भारत मुल्क है ये हमारा ईमान भी इस बात की गवाही देता है कि हमें अपने भारत से मोहब्बत होनी चाहिए, और हमारा दीन, हमारा इस्लाम यही कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से वफादारी करो। लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से आप सारे मुसलमानों को आतंकवादी कह दें, सारे मुसलमानों को जिहादी कह दें, तो ये आपके जो लफ्ज़ हैं ये बिल्कुल गलत हैं, और मैं इसकी बहुत घोर निंदा करती हूँ। और मैं एक शेर पढ़ती हूँ, सो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, कि बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम ये समझता है कि पाकिस्तान वाला है। नहीं, अब अगर नहीं नहीं जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है, अगर आप भारत की धरती पर रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद करेंगे तो आपको पाकिस्तान वाला नहीं समझा जाएगा, क्या नेपाल वाला समझा जाएगा? पाकिस्तान ना पाकिस्तान मेरा था, ना है ना रहेगा, हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, ये डबल सेटलमेंट्स जो है आपके ये नहीं चलेंगे, हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। उज्मा जी, ये कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि जालिम ये कहता है कि हम पाकिस्तान के हैं, तो अगर आप पाकिस्तान जिंदाबाद है क्या नारे लगाएंगे, तो फिर आपको पाकिस्तान का ही बताया जाएगा, पाकिस्तान परस्त ही बोला जाएगा। ये बार बार तो ऐसे लोगों, आपको तो ऐसे लोगों के खिलाफ जाना चाहिए, आपको इनके विरोध में प्रदर्शन करने चाहिए जो आप लोगों का नाम खराब कर रहे हैं। ये मुहतरमा जिस समय पर लगे थे उस समय पर इन्होंने कोई जो है विरोध किया था क्या? खेल में भी आपने धर्म की राजनीति को जोड़ दिया। खेल में धर्म की राजनीति को आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, आप जीवे जीवे पाकिस्तान करेंगे, तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा तो मानना यह है कि इस पर टिकट होनी चाहिए। मेरी बात सुने? नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे, रुकिए एक मिनट, रुकिए उज्मा जी, इसमें राजनीति नहीं जोड़ी गई है। उन्होंने पूरे भारत पर उंगली उठाई है, क्योंकि ये हमारा जो भारत है वो मेरा भारत महान के नाम से जाना जाता है, और ये एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का ये खेल था, उसमें क्या छवि गई हमारे भारत की। अच्छा। ये देखने लायक है कि आपने इनको, विराट कोहली को, तमाम जितने भी प्लेयर है, मैं सिर्फ मोहम्मद शमी की बात नहीं कर रही हूँ, जिनको ठीक है, तो आपको दुख हुआ, आपको दुख हुआ, आपको दुख हुआ, आपको दुख हुआ, आपको दुख हुआ। मैं सोनिया गांधी को भी दुख हुआ था जब नहीं नहीं मैं उज्मा जी से बात कर रहा हूँ। उज्मा जी, आपको दुख हुआ जिस तरीके से ट्रोलिंग की गई, आपको दुख हुआ, आप काफी दुखी हैं जी? विराट कोहली को, विराट कोहली को नहीं, आपको दुख हुआ ना, आप काफी दुखी हैं। मैं सिर्फ इसलिए दुखी हूँ क्योंकि ये जो भारत के लोगों ने जो कश्मीर में जो हुआ है, ये जो जश्न मनाया गया भारत की हार का, ये सरासर गलत है, ये बहुत गलत है। मैं इसकी गलत नहीं है, इसकी निंदा करने से नहीं होगा, निंदा करने से नहीं होगा। उज्मा जी, एक बात समझिए, ये कुछ लोग जो हैं बार बार इस तरह की हरकत करके हिंदुस्तान, मैडम कहीं नहीं जा रहा है, हिंदुस्तान अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ से जाना होगा, आप ये समझिए। उज्मा जी, उज्मा जी, हिंदुस्तान कहीं नहीं जा रहा है, हिंदुस्तान वही का वही है, लेकिन कुछ लोगों का जो प्रेम है,
वो टपक टपक कर कहीं और जा रहा है, हिंदुस्तान कहीं नहीं जा रहा है, हिंदुस्तान विकास की ओर जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का जो पाकिस्तान से जो प्रेम है वो दरअसल छिप नहीं पा रहा है। ठीक है, और कल हमें पाकिस्तान से मतलब था ना, आज हमें मतलब है। हम पाकिस्तान को नहीं जानते, हम कुछ नहीं मानते उसको, हमारा भारत महान था। नहीं तो फिर ये लोग कौन थे? ठीक है उजमा जी, ये लोग कौन थे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे? ये लोग कौन है? ये लोग जो थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस बात की खुद कहती हूँ कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, लेकिन उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने। लेकिन क्यों लगा रही हैं आप? लेकिन लेकिन छोड़िए ना, स्पष्ट रखिए अपना, लेकिन मत लगाइए, स्पष्ट रखिए। स्पष्ट नहीं, स्पष्ट हम कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसका फेवर में नहीं हूँ, मैं फेवर नहीं कर रही, लेकिन ये देशद्रोह का कानून लगा है, ठीक है, ये जो देशद्रोह के तहत उन पर कार्रवाई हुई है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपको क्या लगता है ऐसे देशद्रोही और कितने हो सकते हैं भारत के अंदर? ऐसे देशद्रोही और कितने हो सकते हैं भारत के अंदर? जो आरएसएस गढ़ है वो देशद्रोही है, जो भारतीय प्लेयरों को गलत सलत उल्टा सीधा ट्रोलिंग कर रहा है, बुरा भला। आप समझी नहीं, ये जो पाकिस्तान प्रेमी जो गैंग है ये भारत में और कितने हो सकते हैं जिन पर आप कह रहे हैं कि देश विरोधी कानून के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? भैया हम, मैं तो सीधी सी बात कहूंगी, मैं हिंदुस्तानी प्रेमी हूँ, मैं हिंदुस्तान से प्रेम करती हूँ, मुझे नहीं मतलब कि कौन पाकिस्तान क्या। जो लोग ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, मैं उन लोगों की बिल्कुल वो नहीं करती हूँ। लेकिन जो चीज आप कह रहे हैं, आपका कहना है कि ये आतंकवादी आप चंद लोगों की वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। आपने पूरे गंगा जमनी तहजीब को पैरों तले रौंद दिया है। ठीक है, और पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे लगाकर उस गंगा जमनी तहजीब को आपने रोशन कर दिया। आप ये कहना चाह रही हैं उन लोगों ने गंगा जमनी तहजीब को पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे लगाकर रोशन कर दिया? क्यों रोशन कर दिया? अब जिंदाबाद है के नारे लगाएंगे तो डांट डपट भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे, और मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान इनको भेज देना चाहिए। जिन लोगों के दिल में पाकिस्तान है उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए। नहीं नहीं, जेल नहीं भेजना चाहिए। भारतीय किसी भी भारतीय संसाधन का इन लोगों को इस्तेमाल करने का जरा भी हक नहीं है। इन सभी को पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए। आप मेरे साथ कहिए, इन सभी को पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए कि नहीं? उजमा जी, अरे आप आर्यन खान पर कहां चली गई? आप आर्यन, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी देश विरोधी लोग हैं जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, सबसे अच्छा इलाज है ये। आप कहती है ना मेरे साथ में ये बात? तो नहीं नहीं नहीं, जिनको जिनको नहीं भेजना चाहिए, क्यों नहीं भेजना चाहिए? चीजों से सबसे बड़ी बात ये कि यही एक शेर है कि कुछ ही वक्त के लिए सही फिलहाल चले जाए, जिनको सभी से दिक्कत है वो नेपाल चले जाए। पाकिस्तान जाने की जरूरत? अब पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे लगाएंगे तो नेपाल जाकर क्या करेंगे? वहां भी पाकिस्तान जिंदाबाद करेंगे? ये तो समस्या है ना मैडम। अरे आरएसएस के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद है नहीं कर रहे थे, जो पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे थे उनको नेपाल काहे भेजे? नेपाल तो पाकिस्तान से और दूर हो जाएगा, समस्या और बड़ी हो जाएगी। जो चंद लोग कर रहे थे उन चंद की वजह से आप पूरी कम्युनिटी को टारगेट करेंगे। मैंने तो आपकी कम्युनिटी का नाम ही नहीं लिया। राजनीति करेंगे? मैंने कम्युनिटी का नाम नहीं लिया। मैंने क्या बोला? बोला ना क्या? आप लोगों को एक मुद्दा नहीं चाहिए, सिर्फ एक छोटी सी एक मीडिया जो हम मानते हैं जिसको। आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगी और फिर कहेंगी इसको मुद्दा मत बनाइए, ठीक है? हमारे साथ आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं, आचार्य कृष्ण बिहारी जी, आचार्य कृष्ण बिहारी जी, कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है? ये देखिए, ठीक है, ये कह रही हैं उजमा जी, कह रही हैं कि दरअसल जो कश्मीर में जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नेपाल भेज देना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद है कि बात करी जा रही है, ये नेपाल भेजने लगी हैं जी। अच्छा, उजमा जी जो इनका समर्थन कर रही है ना, इनके लिए भी इन पे भी देशद्रोह का जब कानून लगेगा? नहीं, कोई सॉफ्ट देशद्रोह का कानून होता तो बनता। हाँ जी बताइए। नहीं, ये जो मैंने कोई समर्थन नहीं किया, मैंने कोई समर्थन नहीं किया किसी का। बिल्कुल मैंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप होगी, बिल्कुल होनी चाहिए। जब आतंकवादी बिल्कुल होनी चाहिए, आप पर भी होना चाहिए क्योंकि आप समर्थन कर रहे हैं। नहीं आचार्य जी, अपनी अपनी समर्थन नहीं कर रही, अपनी बात को रखिए, अपनी बात को रखिए। मैं सिर्फ अपनी बात को रख रहे हैं। बात ये है कि जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक चीज को सारे लोगों को जिम्मेदार ठहरा देना, जो गलत करे सिर्फ उसको सजा मिलनी चाहिए ना। आप सारे लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, जब तक देश क्योंकि हम अपने भारत से मोहब्बत करते हैं, वो मुझे सबूत देने की जरूरत है। ठीक है उजमा जी, आप रुकिए जरा, उजमा जी रुकिए, उजमा जी आप रुकिए, उजमा जी आपने अपनी बात कह दी है, आचार्य जी को कहने दीजिए। जी आचार्य,
जब तक देशद्रोहियों का समर्थन करने वाले टीवी चैनलों पर समर्थक करते रहेंगे और उनके बारे में भी यदि कानून सख्त नहीं बनाए जाएंगे, तब तक ये जो है इनकी पढ़ाई ही ऐसी है। इनको जो है जो पढ़ाया जाता है वो यही है कि खाओ यहाँ का और गाओ कहीं का। तो ये इनके खून में भी वो वफादारी नहीं है देश के प्रति, आज से नहीं है, ये शुरू से ही ये हाल है। और इसीलिए हमारे देश में अभी विपक्षी पार्टियां आ जाएंगी, अभी देखना आप इनके जो वो है समर्थन करने वाले। तो कानून केवल जो है जो देशद्रोह करे उस पर नहीं होना चाहिए, जो देशद्रोहियों का समर्थन करे उस पर भी डंडा बजना चाहिए, तब जाकर के चोर को नहीं, चोर की माँ को जब तक नहीं मारोगे डंडा तो एक्सक्यूज मी एक मेरी बात, डंडा तो उन लोगों पे भी बजना चाहिए जिन्होंने नजमा जी ये देशद्रोहियों की बात कर रहे हैं। उज्मा जी आप समझे नहीं, उज्मा जी आचार्य जी देशद्रोहियों की बात कर रहे हैं, वो बात कह रहे हैं कि देशद्रोहियों पर डंडा बजना चाहिए। ठीक है उज्मा जी आप रुकिए, नहीं उज्मा जी बीच में मत बोलिए, उज्मा जी सुनिए, उज्मा जी समझिए, उज्मा जी आचार्य जी कह रहे हैं कि देशद्रोहियों पर डंडा बजना चाहिए, आप मत तिल मिलाइए, आपकी बात नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं देशद्रोहियों पर डंडा बजना चाहिए, आप घबरा रही हैं, आप नर्वस मत होइए, रुकिए आप परेशान मत होइए, थोड़ा ठहरिए, नहीं आप ठहरिए परेशान नहीं हो रही हूँ, उत्तेजित मेरी भी बात सुनिए, जिन्होंने देश बेच के खा लिया, जिन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया, जिन्होंने रेलवे बेच दिया, नहीं आचार्य जी थोड़ा सा भाषा का हम लोग संयम बनाए रखेंगे। ठीक है उज्मा जी आप रुकिए, आचार्य जी कहिए अपनी बात करिए, आचार्य जी पूरी उज्मा जी आप शांत रहिएगा, पूरी बात सुन लीजिएगा। ठीक है इनमें सुनने का साहस नहीं है क्योंकि इनके अंदर चोर है, और उज्मा जी ये कोई पर्सनल नहीं है, पर्सनल नहीं है, वो अपना अपनी बात रख रहे हैं। जी आचार्य जी रखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी टीवी चैनलों पर चाहे विपक्षी पार्टियों वाले समर्थन करने वाले हों देशद्रोहियों का, चाहे ऐसे जो है प्रवक्ताएं जो समर्थन करने वाले, उनको सबको जो है कानून के दायरे में ला करके जब तक नहीं जो चोर को नहीं चोर की माँ को यदि मारोगे तभी जा करके ये गद्दार नहीं गद्दार को समर्थन करने वालों को जब तक नहीं तुम जो है उस पर कानून लगाओगे तब तक ये जो है रोग बढ़ता रहेगा। क्योंकि रोग को जो है देखो हम कोई भी बीमारी होती है उस बीमारी को डॉक्टर पहले ढूंढता है, पहले चेक करता है, पहले उसका ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, तो ब्लड टेस्ट में तो ये समर्थन करने वाले अभी क्या है, आप बड़े बड़े चैनलों पर जो है वो इतने मतलब सफाई से समर्थन कर रहे हैं कि कानून को जो है कुछ समझते ही नहीं, इनको कानून का यदि डर होता तो इस प्रकार का यहां से खा रहे हैं कितने लाख करोड़ जो है हमारी सरकार। आचार्य जी इनको पकड़ा कैसे जाएगा ना, समस्या ये है, ये तो बिल से बाहर निकल आए तो पकड़े गए, चिन्हित हो गए तो पकड़े गए, लेकिन जो लोग छिपे हुए हैं जिनका देश प्रेम नहीं है, दरअसल पाक प्रेम जिनके अंदर है, हाँ ये समर्थन करने वालों ने सर्टिफिकेट देंगे किसको देश प्रेम है किसको नहीं है, ये समर्थन करने वाले इसका इनका माइक बंद करो, पहले इनका माइक बंद करो, आप लोग सर्टिफिकेट चैनल नहीं माइक, आप लोग हम लोग क्या होता है, आप लोग क्या होता है, हम सब एक ही हैं, आप पाकिस्तान में नहीं हैं उज्मा जी, आप भारत में ही बैठी हैं, आप लोग तो क्या आप, नहीं, नहीं आप अलग कर रहे हैं ना हमें, नहीं नहीं आप एक ही हैं, आप अलग नहीं रही हैं, नहीं नहीं आप अलग, उन्होंने गली गली इन्होंने गली गली नहीं बिल्कुल आप भारतीय हैं, हमारी बहन है आप, ठीक है आचार्य जी बोलिए, इन्होंने गली गली में पाकिस्तान बना रखे हैं, और आपके दिल में भी आरएसएस भरा है, मैं भी ये कह सकती हूँ आपके दिल में भी आरएसएस भरा है भाई, हमारे देश प्रेम आपके खिलाफ भी है, हमारे देश प्रेम आप ही से देश प्रेमी है जो और कोई नहीं है, ही होते हैं यहाँ जितने बैठे, ना 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 जो देशद्रोही का समर्थन करने वाले गद्दार हैं, मैंने कोई देशद्रोही का समर्थन नहीं किया, मैं कह रही हूँ कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, जब को आपको टाइम मिला है तब से आप उनका समर्थन के अलावा और कुछ नहीं कर रहे, आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। उज्मा जी आप एक ही बार में आचार्य जी की भी, उज्मा जी आप आचार्य जी के जो सवाल है उन पर भी विराम लगा दीजिए, आप सीधे कह दीजिए कि जो भी ऐसे लोग हैं सभी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, भारत के अंदर जो भी ऐसे लोग छिपे हुए हैं, जो भी गद्दार छिपे हुए हैं, उन सबको पाकिस्तान भेजो, आप कह दीजिए बात खत्म हो जाएगी। नहीं कह, देखिए कौन गद्दार है कौन वफादार है ये तो अपना अपना सब तय करेंगे, आप है गद्दार हम गद्दार कौन, नहीं नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद है कि जो नारे लगाएंगे वो गद्दार कहलाएंगे, इनको पाकिस्तान भेजना चाहिए ऐसे लोगों को, आप सीधे कह दीजिए ये बात, कश्मीर में क्या हुआ हमें नहीं पता, ठीक आपको वीडियो दिखा देता हूँ, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, इनकी एफआईआर कराएंगे,
मैंने देख लिया है, मैंने वीडियो ये देखा है, जिन लोगों ने ऐसा किया उनके ऊपर सख्त कार्रवाई। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूँ, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इनको जेल भी नहीं डालना चाहिए, जेल में भारतीय संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। मैं कह रहा हूँ जो ऐसे गद्दार हैं जिनको पाकिस्तान से इतना प्रेम है, इतना लगाव है, उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। उस्मा जी आप ये बात कह दीजिए, ठीक है, चलिए ठीक है, सत्य नहीं बोलते, सिर्फ वो दिखाते हैं जो धर्म की राजनीति से जुड़ा होता है। हमारा भारत, हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, करिए, और हम उसको दिखाएंगे नहीं। ठीक है, अश्विनी जी पर आएंगे। अश्विनी जी, इसके लिए तो एक कोई ठोस एक रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग जो लगातार बाहर आते रहते हैं समय समय पर, अब तो खुलकर आने लगे हैं समय के साथ। तो ऐसे में अश्विनी जी, ये भी चीज है कि ये लोग सामने आ गए, बिल से इस बार निकल आए, वीडियो आ गया, वायरल हो गया, आपने इनके ऊपर कार्रवाई की, लेकिन कोई ऐसा ठोस रणनीति के साथ आपको सामने आना पड़ेगा जब इन लोगों का खात्मा किया जा सके, क्योंकि अब बहुत हो चुका है, कई सालों से ये तस्वीरें देख रहे हैं हम लोग। तो भारत में रहकर यहां का खाकर अगर पाकिस्तान का बजाएंगे तो यहां फिर कैसे रह पाएंगे? देखिए, होता क्या है कि सरकारें अपना काम करती हैं, ये बिल से निकलकर आए और इनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, तो ये समय समय पर ये होता भी रहता है। लेकिन अभी आचार्य जी ने जो बातें कई बातें कही, और उज्मा जी को मैं सम्मान कहना चाहता हूं कि उज्मा जी जब से बोल रही हैं तब से इन्होंने दो बातों पर ज्यादा ध्यान दिया। हम निंदा भी करते हैं और आरएसएस वाले आप हैं, आप समर्थन कर रहे हैं, तो क्या मतलब है? ये डबल स्टैंडर्ड का जो मामला है कि हमारे अंदर पाकिस्तान भी है और हम निंदा भी करते हैं, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब कि जो उज्मा जी हैं, इस टाइप के लोग ही इन चीजों का पालन और पोषण करते हैं, इनको बढ़ावा देते हैं इन चीजों को। अभी इन्होंने कहा था कि आरएसएस की कोई बात ही नहीं थी यहाँ, ये एक हिंदुस्तानी होने के नाते सबको इसकी निंदा करनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। उज्मा जी, मैंने आपको बड़े ध्यान से सुना, मैं सम्मान से कहता हूं कि थोड़ा सा सुन लीजिए। आपकी हिंदुस्तान के निवासी होने के कारण, क्योंकि जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी है, 1947 में जब देश बटा था धर्म के आधार पर कि वहां पर पाकिस्तान में लोग गए और हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान में रहे, तो मैं किसी धर्म जाति में नहीं बांट रहा हूं, जो हिंदुस्तानी थे वो हिंदुस्तान में रहे, तो आज क्यों वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं? यानी कि कहीं ना कहीं उनके अंदर देशद्रोह भरा है। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को कहती है कि ये देशद्रोही है तो आप लोग उंगली उठाती है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है, इसलिए इसको देशद्रोही कहा जा रहा है। यहां तो देश का विरोध हो रहा है, हम तो अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति भी बनाते हैं, हम तो सबका सम्मान करते हैं, लेकिन कम से कम जी को भी अपना प्रधानमंत्री मानते हैं, हम योगी मानते जी को क्या है? मानते नहीं आप, वो है प्रधानमंत्री, मानते हैं, लेकिन वो हमें नहीं मानते, वो हमें आप नहीं मानती, मानते हम मानते हैं, वो मेरे मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो साफ कहते हैं मैं मुस्लिमों से कोई मेरा वास्ता नहीं। ठीक है, आप क्या भारतीय सड़कों पर आपको नहीं चलने दिया जाता? एक सेकंड, भारतीय सड़कों पर आपको नहीं चलने दिया जाता? भारत के अस्पतालों में आपको इलाज नहीं दिया जाता? क्या वैक्सीन आपके नहीं लगाई गई? तमाम जो अलग चीजें हैं वो सब आपको नहीं मिलती? क्या आप तक कोई सुविधा सरकार की ओर से नहीं पहुंचाई जाती? ये लोग लेते हैं उज्ज्वला योजना, ये लेते हैं 3 तलाक का फायदा इनको हुआ, और किस तरीके की बात कर रही है यहाँ पर ये मोहतरमा? एक मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा, किस तरीके की बात कर रही है? भारत के मजबूत प्रधानमंत्री को आप कह रही है कि ये इस तरीके की बात करता है? वो हमेशा 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करता है, और आप, मैं कहूंगा उज्ज्वला जी, आप जैसे लोग ही देशद्रोह करते हैं और आप देशद्रोही के साथ उनको समर्थन करते हुए देशद्रोह की तरफ बढ़ चुके हैं। क्यों? कि आपको मोदी का विरोध करना है। आप, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि आप मोदी विरोध में इतने लिप्त हो चुके हैं कि आप लोगों को पाकिस्तान का समर्थन याद आता है और हिंदुस्तान का खाना खाकर, हिंदुस्तान का खाना खाकर आप लोग हिंदुस्तान की बुराई करते हैं, दिखाई दे रही है मुझे। अरे मोहतरमा सुनिए, बेरोजगारी, जब तक ऐसे गद्दार, उज्मा जी, जब तक ऐसे गद्दार देश में निवास करते रहेंगे
तब तक क्या सीमाएं सुरक्षित रहेंगी और क्या देश की अर्थव्यवस्था बन पाएगी? आप इस चीज को भी समझिए, आपको ये चीजें भी देखनी होंगी। वफादार कौन है ये तय नहीं कर पाएंगे। अरे तय हो जाएगा मैडम, एक मिनट में तय हो जाएगा, वीडियो चलाऊंगा आपके सामने, आप तय कर लेंगी खुद, आप खुद तय कर लेंगी, तय हो जाएगा। इसको संकोच नहीं आना चाहिए किसी भी बात पर। उजमा जी तुरंत तय हो जाएगा कि कौन गद्दार है और कौन वफादार है। नहीं नहीं बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल मैं ये क्यों करेंगे, सबके प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले का समर्थन करेंगे और अपने देश के प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे, इसका मतलब आप देशद्रोही हैं। मुझे लेना देना नहीं, आप देशद्रोही हैं। आपने किया है अभी किया है आपने, इस एक सम्मानित चैनल पर आपने भारत के प्रधानमंत्री का विरोध किया है। जाइए पाकिस्तान, आप रहिए, हिंदुस्तान में रहने का हक खो चुके हैं आप लोग। और एक तरफ आप कहते हैं कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को हम लोग गद्दार कहते हैं, मुख्यमंत्री हूँ, बिल्कुल बिल्कुल वो कभी नहीं कहते हैं, वो हमेशा 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं और मुख्यमंत्री नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, आचार्य जी भी काफी देर से आप लोगों को सुन रहे हैं, ठीक है ठीक है। उजमा जी पाकिस्तान, मुझे अपने हिंदुस्तान से मतलब है, मुझे अपने हिंदुस्तान से मतलब है। मैं पाकिस्तान को नहीं जानती, पाकिस्तान में अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, पर हमारे देश में आज हमारे देश के हालात क्या है, आज रोजगार को लेकर क्या है, आज शिक्षा को लेकर क्या है, आज महिला सुरक्षा को लेकर क्या है, आप बताएंगे? क्या बीजेपी ने क्या देश का हाल कर दिया, देश को किस घड़े के अंदर ढकेल दिया, इसकी इसकी आप वो करेंगे? आपको पता है आप कहाँ हैं, आपकी अर्थव्यवस्था कितनी बढ़िया हो रही है, आप इस समय विश्व में सबसे ज्यादा टीका लगा रही है, कहाँ हैं आप? कितने सारे संसाधनों का लाभ उठाने के बाद और इस तरीके की बात आप लोग करती है, तो देश दूर है, देश दूर। आपके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देशद्रोह के लोग सारा राशन ये खाएंगी, टीका ये लगवाएंगी, तीन तलाक का लाभ ये लेंगी, उसके बाद किसान सम्मान निधि भी लेंगी, उज्ज्वला योजना भी लेंगी, देश में क्या हुआ? अरे अभी तो आप कह रही थी कि प्रधानमंत्री हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। उज्ज्वला जी आपने कहा था कि हम प्रधानमंत्री को मानते हैं लेकिन प्रधानमंत्री हमें अपना नहीं मानते। उज्ज्वला जी एक मिनट रुकिए, उज्ज्वला जी जरा ठहरिए, उज्ज्वला जी जरा ठहरिए। अरे उज्ज्वला जी ठीक है, पाकिस्तान की औलाद बनकर रहेंगी, कुछ नहीं रहने दिया जाएगा, हम लोग आपको यहाँ से भगाने का काम करेंगे। तो फिर उज्ज्वला जी पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे कौन लगा रहे हैं? उज्ज्वला जी अगर इनके बाप का हिंदुस्तान है जो पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे लगाते हैं, तो माफ कीजिएगा, उनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। सुनिए, जिंदा है और जिंदा रहेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, ठीक है, लेकिन ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे लगा रहे हैं, अगर आप कहेंगे इनके बाप का हिंदुस्तान है, तो माफ कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसके खिलाफ कह रही हूँ कि कार्रवाई आप कहिए ना, आप कहिए, जितने ऐसे गद्दार हैं सबको पाकिस्तान भेजिए, कह दीजिए, बात को खत्म करिए आप। मैं ये कह रही हूँ एक एक गद्दार को चुन चुन कर पाकिस्तान भेजिए, आप ये बोलिए। उज्ज्वला जी जैसे लोग यहाँ के देश के सच्चे मुसलमानों को बदनाम करते हैं, हमारे हिंदुस्तान में जो सच्चे मुसलमान है उनको ये लोग बदनाम करते हैं, इन लोगों चाहे उनके वकील टेलीविजन चैनलों पर बैठकर और डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। नहीं, इसको हिंदू मुसलमान में मत बांटिए, रुकिए, ये यहाँ हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटे हुए, ये हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम बीजेपी करती है, आरएसएस करती है। अरे मैडम, देश विरोधी नारे जो लगाएगा उसका बीजेपी से क्या मतलब है? ये जो आप तस्वीरें देख रही हैं, ये जो आप उज्ज्वला जी तस्वीरें देख रही हैं, ये जो आप तस्वीरें देख रही हैं, इसमें कहाँ बीजेपी है, इसमें बीजेपी से क्या मतलब है? अब पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे जो लगा रहे हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई उस सख्त से सख्त जो ये कर, कार्रवाई तो हो चुकी, कार्रवाई तो हो चुकी, कार्रवाई तो उज्ज्वला जी हो चुकी, बीजेपी और आरएसएस का डर है। उज्ज्वला जी कार्रवाई तो हो चुकी, ये लोग दहशत में हैं, ये देशद्रोही हैं, ये लोग इसको आरएसएस बना रही है जानबूझ के, देखिए ये पॉलिटिकल बिना मतलब में आरएसएस और बीजेपी कोई मतलब नहीं जा रहा है, इसको धर्म की राजनीति बनाया जा रहा है, आपने हर चीज को धर्म की अच्छा, हिंदुस्तान में पाकिस्तान का नारा लगे और हम कहें उसका विरोध भी करें, मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। उज्ज्वला जी का ये कहना है कि ठीक है, बिल्कुल विरोध करें, हम भी आपका समर्थन कर रहे हैं। अरे विरोध नहीं करना है मैडम, विरोध करने का समय चला गया, अब ये नया भारत है। मैं ये कह रहा हूँ कि गद्दारों को चुन चुनकर पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्यों हमारी जेलों में वो बंद रहे, क्यों हमारे संसाधन जो है उस पर इस्तेमाल किए जाए? जी सर्टिफिकेट ले आइए, कुछ ऐसा ले आइए जिससे हाँ। लोगों पर झप्पा लगा के अब कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए भाई? नहीं, जो अगर पाकिस्तान जिंदाबाद है खुलकर बोल रहे हैं हाँ। वो तो खुद ही अपने आप को देशद्रोह का सर्टिफिकेट दे रहे हैं।
दे रहे हैं जो ये कर रहे हैं कश्मीर में उनके खिलाफ सख्त नो ड्यूल दे रही है उज्मा जी बैठकर। ठीक है, आप इस चीज का समर्थन करती हैं, आप इस चीज का समर्थन करती हैं कि ऐसे आप इस चीज का समर्थन करती हैं कि ऐसे पाक परस्त जो लोग हैं इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, अब समय आ गया है। आप पाकिस्तान भेजने की किसको बात कर रहे हैं ये बताइए पहले, जो पाकिस्तान जिंदाबाद है, ये जो देशद्रोही है जो नारे लगा रहे हैं उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, दिल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। और जो लोग विराट कोहली को गालियां, अरे विराट कोहली कहाँ चली जाती है मैडम, आप बात हिंदी की हो रही है, आप मैथमेटिक्स में चली जाती है, रुकिया रुकिया, अरे विराट कोहली कहाँ से आ गया इसमें, सामान्य ज्ञान रखिए, सामान्य ज्ञान की बात रखिए, वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे लग रहे हैं वो एक अलग मुद्दा है, अब विराट कोहली पर कहाँ से पहुँच गए, अभी आप थोड़ी देर बाद अनुष्का शर्मा पर पहुँच जाएंगी, रुकिए आप, पाकिस्तान जिंदाबाद है के अगर कोई नारे लगाएगा तो वो पाकिस्तान ही जाएगा, आप कहिए हाँ, आप इसको खिलाफ कार्रवाई करिए ना, आप पाकिस्तान जाने से डरते क्यों हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद करेंगे, वहां से सब कुछ लेंगे, फंडिंग लेंगे, लेकिन खाएंगे यहीं का, नारे यहीं पर लगाएंगे, सांस यहीं पर लेंगे, धरती यहीं पर लेंगे, जमीन यहीं पर लेंगे, राशन यहीं का लेंगे, टीका यहीं का लेंगे, सरकारों की तमाम सुविधाओं का लाभ यहीं पर लेंगे, लेकिन दिल में पाकिस्तान रहेगा। पूरे विश्व के सामने अपने साथ टर्की की भी अच्छी तहसी करा दी उसने, तो ये खाएंगे हिंदुस्तान का, गाएंगे पाकिस्तान का, खाएंगे भारत का, क्योंकि हमारी भारत की सरजमीन है ये, खाएंगे, अरे बाप रे आपके है एकदम है भाई, लेकिन गाएंगे पाकिस्तान का, गा रही है पाकिस्तान का, खाएंगे हिंदुस्तान का, मोदी जी का हिंदुस्तान का सारा। ठीक है, जैसे वैसे उज्मा जी एक खाने बजाने और गाने वाली जो स्थिति है अब ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है, आप मुस्कुरा कर बात कर लीजिए, लेकिन ये ज्यादा दिन की स्थिति है, आचार्य जी पर आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उज्मा जी भी जो है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद आप लोग जरूर करेंगे, आइए यहाँ का, यही है देशद्रोह, इसी को कहते हैं देशद्रोह, और आप देशद्रोही हैं, तो मानिए आप जैसे लोग बालक और पोषक है जो देशद्रोही है, और मानिए इसको, मिडिल क्लास आदमी भूखा मर रहा है, हमारा कौन मर रहा है, अरे राशन उठाने नहीं है, 17 बच्चे आपके परिवार में एक आदमी के और 17-19 का राशन जाता है, भूखे मर रही है, कितने दिन आपके यहाँ खाना नहीं बना है, आप बताइए कितने दिन आपके खाना नहीं बना है, एक साल तक पूरे विश्व में कौन सा देश है जितने फ्री राशन दिया है, अगर इतनी परेशानी है उज्मा जी, इतनी परेशानी है भारत की हर चीज से आपको दिक्कत है उज्मा जी, अगर इतनी परेशानी है उज्मा जी, अगर इतनी परेशानी है भारत की हर चीज से आपको दिक्कत है, प्रधानमंत्री को आप अपना मानते नहीं, किसी भी चीज को आप समझते नहीं, भारत में हर चीज आपको गलत दिखाई देती है, आपको किसने कहा, आपको किसी ने दिग्भ्रमित किया है, और मैं समझता हूँ कि ये कोई वहां के लोग हैं जो आपको बरगला रहे हैं, आप वापस आइए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बरगलाने में मत जाइए, ये पाकिस्तान के जो लोग हैं लगातार बरगलाने का काम करते हैं, आप उनके बहकावे में मत आइए, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है उज्मा जी, हम आपको अपना मानते क्या है, आप यहाँ की हैं, आप हमारी ही बहन हैं, मानना या ना मानना क्या होता है, आप हमारी ही बहन है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी को आप प्रधानमंत्री मानती नहीं है, वो आपके प्रधानमंत्री हैं, आप तीनों हमारे भाई हैं, ऐसे ही हम सब आपके भाई हैं, आप हमारी बहन हैं, लेकिन पाकिस्तान जो आपको बरगला रहा है लगातार, लेकिन पाकिस्तान जो आपको बरगला रहा है उससे बचिए, पाकिस्तान में भुखमरी है, पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, आप वहाँ पर हिंदुस्तान का, अभी तो उज्मा जी ने कहा कि हम खाएंगे यहाँ का, गाएंगे वहाँ का, बताएंगे कौन गद्दार है, कहीं अभी बोला है इन्होंने, नहीं तो जो गद्दार है उनको तो नाम ले लीजिए, आप उनका नाम नहीं लेंगी तो आपको भी वही तरस आ जाएगा, अब नाम लीजिए, कहिए कि ये जो गद्दार है जो पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे लगा रहे हैं इनको चुन चुनकर पाकिस्तान भेजना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए वो गलत है, उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पाकिस्तान भेज देना चाहिए, अब किन लोगों को चुन के भेजना चाहिए ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ये तो आपको कोई समस्या नहीं, आप इसका समर्थन करती है ना कि पाकिस्तान भेज देना चाहिए, हम सिर्फ इसका समर्थन करते हैं, नहीं बातों को जलेबी मत बनाइए, रुकिए जलेबी मत बनाइए, एक मिनट रुकिए, आप देखिए आपका आपका जो नरम रवैया है इन लोगों के साथ ये ठीक नहीं है, आपका जो नरम रवैया है ठीक नहीं है, आप ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल पाएगा आपको, आप खुद को एक्सपोज कर रही है काफी देर से, आप खुद की पोल खोल रही है तब से, नजमा जी समझिए इस चीज को, नजमा जी समझिए इस चीज को, आप कहिए कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि भारत की जेलों में इन्हें क्यों रखा जाए, कब तक रखा जाए, क्यों रखा जाए, क्यों भारत की जेलों का ये खाएंगे,
इनको तो सीधे पाकिस्तान भेजिए आप। अरे भारत में पहले से बहुत सारे लोग, आप उन्हें पाकिस्तान भेजिए, नेपाल भेजिए, वो गवर्नमेंट जाने। नेपाल नहीं जिंदाबाद करते हैं मैडम, पाकिस्तान जिंदाबाद है कर रहे हैं। नेपाल क्यों भेज देंगे? कह दीजिए भाई भेजा जाए तो लग जाएगा कि आप हिंदुस्तानी हैं। आपके अंदर अस्ताकुल्ला खान और मीर अब्दुल हमीद का रक्त है। ठीक है, आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं आपसे। उज्मा जी, आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं काफी देर से वो। ठीक है उज्मा जी, ठीक है उज्मा जी, ठीक है उज्मा जी, बौखलाहट ठीक है, लेकिन सुनिए समस्या है। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। जी आचार्य जी, पहले उस्मा देखो, उस्मा जी को नहीं है तमीज बोलने की, ये बीच में जरूर बोलेंगी, इसलिए पहले इनका माइक जो है शांत कर दो, क्योंकि इन्हें जो है पाकिस्तान से प्रेम है, पाकिस्तानियों से प्रेम है, गद्दारों से प्रेम है। नहीं आप पर्सनल मत करिए, पर्सनल मत करिए आचार्य जी, पर्सनल नहीं करिए, मुद्दों पर आइए। देखो पर्सनल की बात ये है कि जब तक समर्थन करने वालों को आप नहीं रोकोगे तब तक जो है ये मैं समर्थन नहीं कर रही। आचार्य जी वो समर्थन नहीं कर रही है, वो बस पाकिस्तान जाना नहीं चाहती, वो कह रही है खाएंगे यही का, पाकिस्तान नहीं जाना, उसमें वो समर्थन नहीं कर रही है। ठीक है बोलिए। आप वीडियो को पुनः देखेंगे तो इनका पूरा समर्थन आ रहा है, इनकी इंक्वायरी होना चाहिए और इनकी इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। आप मुझे लिंक भेजना, उसका जो है हम पूरा इंतजाम जो है करने के लिए बिल्कुल संस्थाएं कई तैयार बैठी हैं। और ऐसे समर्थन करने वालों को जब तक नहीं रोका जाएगा तब तक ये पार्टीबाजी में कार्रवाई करो। कार्रवाई पता है इनको कि वो कसाब पर कार्रवाई हुई थी, तो 45 आदमी 50 आदमी वहां पहुंच गए थे उसको बचाने के लिए, इसलिए उन्हें इन्हें पता है ना कि अभी तो पहली श्रेणी में ये। अच्छा चलिए, ये तो जुड़ा खेल से मुद्दा है। उज्मा जी, उज्मा जी रुकिए, उज्मा जी आचार्य जी आपकी पूरी बातों को सुन रहे थे जब आप बोल रही थी। ठीक है थोड़ा सा उज्मा जी को धैर्य बनाए रखिए, इनको चैनल पे बुलाना नहीं चाहिए, तमीज वालों को बुलाया करो। देखो मैं बीच में नहीं बोला ना, आचार्य जी बात रखिए, बात रखिए। हां क्या क्या दो बात रखें, क्या प्रश्न ना हो जब अगला आदमी बिल्कुल उज्मा जी आप नहीं बोलने दीजिए आचार्य जी, आप बोलेंगे संग में बैठना क्या फायदा है। ठीक है बोलिए बोलिए, आप बोलिए रखिए मुद्दा आप तो। बोलिए तुम्हारे लिए बोले बताइए, जो है जिसको जो है समर्थन, ये अभी तो ये पहली लेन वाले अभी नए नए जो है उसमें आए हैं चैनलों पर, जब जो बड़े बड़े चैनलों पर जो बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं, फिर जाकर के कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं कि इनको छोड़ा जाए। ये बहक गए हैं, ये बच्चे हैं, और एक बार भी इनके मुंह से ये नहीं निकला कि हाँ बिल्कुल जो गद्दार है उनको पाकिस्तानी काला पानी भेजो। इनको जो है इतना उनसे सहानुभूति है तो ये गद्दार नहीं है तो क्या है, ये देशद्रोही नहीं है तो क्या है। इनके प्रति इंक्वायरी होगी जब इनकी रूह कांपेगी। एक वो महिला यहाँ आई थी ना घूमने यूपी से, योगी ने जब उनकी इंक्वायरी करे तो फिर रो रही थी वो सोशल मीडिया पर। इसी प्रकार से ये जब तक रोएंगे नहीं, जब तक खौफ नहीं होगा कानून का, कार्रवाई करो। कार्रवाई इन्हें पता है कि हिंदुस्तान में कार्रवाई कैसी होती है, इसलिए इन्हें भी कार्रवाई का डर नहीं, तो यहाँ पर बोल करके ये गाल नहीं बजा रहे होते। नहीं उनका कहना है कि देशद्रोही है, लेकिन देशद्रोह जो कर रहे हैं उसको धर्म देखकर उन पर कार्रवाई की जा रही है। अरे कमाल की बात है, धर्म क्या होता है, जो देशद्रोह करे चाहे वो कोई कन्हैया हो जो टुकड़े टुकड़े करने वाला हो, चाहे वो जो बांटने वाला हो, चाहे कोई भी हो, धर्म से क्या मतलब है तुम्हें। जब जो देशद्रोह का काम करेगा चाहे वो समर्थन कर, देखो प्लेयरों को गालियां दी उनके खिलाफ क्या होना चाहिए आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने गालियां दी। यदि देखो थोड़ा सभ्य जो है बनो, ऐसे नहीं चलता है। देशद्रोहियों का समर्थन करने से तुम्हारे पीछे भी जो है मैं देशद्रोही का समर्थन नहीं कर रही, रोगी मैं नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कार्रवाई हो, आतंकवादी। मैं एक बात सुन ले, पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है हमारा, हम सबका कोई मतलब नहीं है, हमारा हिंदुस्तान, हम यही के बाशिंदे हैं, यही मरेंगे, यही जिएंगे, यही रहेंगे और यही का खाएंगे। इसी में छेद करेंगे, यही टुकड़े टुकड़े करेंगे, यही देशद्रोहियों का समर्थन करेंगे, ये भी करेंगे। और आपके जो ये भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा खोखला करेगी देश को, उसके एयरपोर्ट बेचेगी, उसकी रेलवे बेचेगी, उसका सब कुछ बेच डालेगी, पूरा भारत बेच डालेगी। मुझे तो मुझे तो लगता है पूरी भारतीय जनता पार्टी पर कार्रवाई होनी चाहिए, देश के खिलाफ साजिश करने में, देश को बेचने में, देश की देश को खोखला करने में, यही सिर्फ यही और यही एक आप लोगों को दुनिया में हिंदुस्तान में जो है एक मैसेज खराब दे रही है। आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार है वो विश्व में आपको मजबूत कर रही है, और आप अंदरूनी हमसे लड़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उज्मा जी आप हमारे, अरे सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, आप हमसे लड़िए,
हमें खुशी होगी कि हमारी बहन हमसे लड़ रही है, अपने हक के लिए लड़ रही है, लेकिन जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगेगा हिंदुस्तान में तो यहां तो मत लड़िए। आप यहां लड़कर ये साबित कर रही हैं, जिन्होंने सुन लीजिए पहले मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए, यहाँ पर लड़कर आप साबित कर रही हैं कि आप पाकिस्तानी देशद्रोहियों के साथ हैं जो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का गाना गा रहे हैं। अगर आप यहाँ लड़कर मोदी से लड़े या अकोली शाही से लड़े तो अच्छा है, तो फिर आप पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हमारे भाई बार बार कह रहे हैं तो क्यों नहीं आप सुन रही हो? आप बोल दीजिए कि जो गद्दार है जिन्होंने पाकिस्तान का नारा लगाया है हिंदुस्तान की हार पर, वो नहीं बोलेंगे, उनको पाकिस्तान वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। क्या दिक्कत है आपको? नहीं बोलेंगे। आप हमसे लड़ लीजिए, मैं भाजपा का हूं, मुझसे लड़िए। अलाउ करेगी ना, लेकिन एक इंटरनेशनल चीज में वो गवर्नमेंट अलाउ करेगी ना, मैं कैसे क्यों कहूं? आपको कहने में क्या दिक्कत है? उनके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। ठीक है, जो जिसे देश से मोहब्बत नहीं उसे अपने ईमान से मोहब्बत नहीं, गलत है ये सरासर गलत है, ये गलत हुआ। एक वाक्य आपको बोलने में इतना समय लग गया, पूरा डिबेट अब खत्म होने जा रहा, आपको ये कहने में क्या बुराई था कि अगर वो देशद्रोह कर रहे हैं, उन्होंने नारे लगाए हैं, उनको यहाँ पर हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है? चलिए कोई नहीं, देर आई दुरुस्त, काम खत्म। हिंदुस्तान में रहने का हक अधिकार किसको है किसको नहीं ये बीजेपी तय नहीं करेगी। नहीं नहीं, तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद है कि जो नारे लगाएंगे, नारे लगाने का भी हक नहीं है किसी को भी। पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा लगाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको हक नहीं है। आपको भी हक नहीं है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आप लगाएंगे। किसने हक दिया आपको? आप कान खोल कर सुनिए कि हिंदुस्तान में रहकर जो पाकिस्तान का नारा लगाएगा उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक है उज्मा जी, डिबेट शुरू होने से लेकर अभी तक मैं लगातार आपसे ये पूछता रहा कि देशद्रोहियों को पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए और इन्हें चुन चुन कर पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए, लेकिन उज्मा जी आपने मुद्दों को घुमाती रही, आप जलेबी बनाती रही, खुलकर आपने अपना वक्तव्य जो था उसको नहीं रखा। आपका शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अश्विनी साई जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आचार्य कृष्ण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। तो जो मुद्दा है वो दरअसल बड़ा गंभीर है, इस मुद्दे को हल्के में लेना दरअसल भारी भूल हो सकती है। इतिहास में यह हुआ है लेकिन वर्तमान में यह हो रहा है, इसको देखते हुए अब आगे नहीं, बहुत हो चुका। कब तक भारतीय धरती पर इसी तरह के नारे लगते रहेंगे जब हमारे देश के सेना के जो जवान हैं वो सरहदों पर लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान से लड़ते हैं, शहीद होते हैं, किसी के सर से उसका बाप का साया उठ जाता है क्योंकि वो बॉर्डर्स पर लड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सेफ्टी। जब भारतीय क्रिकेट टीम जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से लड़ती है तो इसके पीछे 135 करोड़ जो देश प्रेमी है उनकी भावनाएं काम करती हैं, लेकिन ऐसे मुट्ठी भर लोग जो हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का दाल चावल खाते हैं लेकिन गाते वहां का, उनका जो प्रेम है उसमें अब हमें बांध बनना होगा, अब उसमें हमें एक पुल का निर्माण करना होगा। और जल्द से जल्द भारत सरकार से मेरी मांग है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान की सरकार से बातचीत की जाए और जिन लोगों के मन में पाक प्रेम है उनको उनसे मिलवाया जाए, ये एक अच्छा काम रहेगा, नियति भी साफ रहेगी और नियत भी। शुक्रिया, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक करें शुक्रिया।